मेरा ये देखिए क्रिस्पी डिलीशियस लग रही है, ये जरूर ट्राई करना। मेरा क्रीम का बिजनेस है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स का रहती है, मेरे स्किन केयर ब्रांड की आईडी रहती है, सब रहती है। देखे ले, यहाँ हमने उड़द की दाल और मूंग की दाल भिगा दी थी 6 से 7 घंटा। अब इसमें हम कांदा मिला के पीस रहे ताकि वड़े एकदम सॉफ्ट होते और फूकते हैं, तो अब इसे हम पीस लेंगे। यहाँ इमली भिगा के रख दी है चटनी के लिए एंड यहाँ खजूर भिगाए हैं चटनी के लिए। यहाँ मेरा सुजान और मिदा का ब्लॉग चालू है। अभी सॉल्ट ऐड करो बिस्मिल्लाह, और उसके बाद थोड़ा सा जीरा ऐड करो बिस्मिल्लाह। ने 20 मिनट बाद खजूर को पानी से निकाल दिया और इसे पीस लेंगे। ये खाली पीसेंगे ना, तो ये मेरी मम्मी की रेसिपी है और इसमें हम खजूर का थोड़ा पानी भी डालेंगे। ओके, मैं पिसा हुआ खजूर है, अब हम इसमें इमली स्ट्रेन करके डाल रहे हैं ताकि इमली का जो जूस है, पहले हमने इमली को निचोड़ लिया है, अब ये कर रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ चटनी में, जैसे कि मैंने पहले आपको दिखाया। उसके बाद अब मैंने ऐड किया है आमचूर पाउडर, चाट मसाला, लाल मिर्ची, वाइट सॉल्ट डाला है, पिंक सॉल्ट डाला है, यहाँ पे जीरा पिसा हुआ जीरा डाला है। अब इसके बाद मैं इसमें शक्कर ऐड करूँगी बिस्मिल्लाह, और अभी इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ा हम गैस पे चढ़ा देंगे पकने के लिए, जब तक बॉईल नहीं आता इसमें अच्छे से तब तक। ने 5 मिनट पकाए हैं चला चला के, और अभी हमारी चटनी रेडी हो गई है। अब हम इसके भुजिया बनाएंगे, भुजिया बना के हम दही रेडी करेंगे, फिर हम खाते हुए दिखाएंगे। मैं अभी आपको सीधा मिलूंगी भजिए तल के फिर खाते हुए, क्योंकि मैंने आज खाना नहीं खाया यार, तो मुझे आज फेरी में ठंडे ठंडे दही वड़े खाने हैं, तो मिलते हैं। सॉरी मेरा सर ढका हुआ नहीं है, कोई ना कोई बोलेगा, बट मैं अचानक आ गई, मैं क्या करूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे को माफ कर दो। इन-लॉ ने बोला था अगर ये बैटर पानी में डालो, अगर वो तैरता है इसका मतलब वो बैटर अच्छे से रेडी हो गया, और अगर डूब गया, सुसाइड कर लिया तो गया, तो हमने डाल दिया है पानी में, अब देखते हैं जिंदा है कि सुसाइड कर लिया। अरे ये तो जिंदा है, सुसाइड नहीं किया अभी तक। यहाँ ऑयल गर्म हो रहा है, अब हम बनाते हैं भुजिया रात को 2:15 बजे। भाई मेरे को माफ करो, अरे जनता माफ करो मेरे को। सो अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं चटनी बनने के बाद, मैं थोड़ा चखूंगी कि कैसा है। बराबर है, अच्छी है। मीठा कम है क्या? तो अच्छा नहीं, मीठा कम है क्या? तो दही तो मीठी रहेगी ना? नहीं, मेरे को तो बराबर लगा। फटाफट करो, मेरे फोन में स्पेस नहीं है, जल्दी डालो। भुजिया डाल दो उसमें। सो अभी हम भजिया डालेंगे और फिर मैं उसको पानी में डाल के चट्टा कर दूंगी। ये तो यहाँ मेरी मम्मी भजिया डाल रही है, मैं दिखाती हूँ, रुको। ढालो ढालो, क्यों शर्मा रही है? अरे बहुत टाइम है अभी इसको। तो ये सीधा पानी में डाल दिया हमने, ये एक यहाँ पे एक का विकेट गिर गया। सो अभी मैं वड़ों को पानी से निकाल के भीग गया, उसे चपटा करके प्लेट में निकाल लूंगी। पानी रहने दो, तुम पानी नहीं निकालना, इसमें हल्का हल्का पानी रहने देंगे और निकाल लेंगे। ऐसे 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 प्रेस करेंगे तो पानी निकलेगा, और वड़े फूटेंगे भी, पानी निकाल। तो पहले वाले के वड़े मम्मी ने थोड़े छोटे बनाए, अभी हम लोग बड़े बना रहे। जाली में क्यों रख रही? प्लेट में रखना, थोड़ा थोड़ा पानी खाने लगा। और ये सादे वड़े भी अगर आप यही बैटर में अगर आप भाजी काट के डाल दो, अरे वाह वाह क्या वड़े आते हैं फिर। वो भी मैं बनाऊंगी। तो ये अभी हमारे और निकले, अब मैं पूरा नहीं दिखा सकती तो मैं इधर वीडियो ऑफ कर रही हूँ। मैंने दही में पानी ऐड करके इसे मिक्स करना स्टार्ट किया, बट मैं पूरा मिक्स नहीं कर रही क्योंकि अब मैं इसमें शुगर ऐड करूंगी। बिस्मिल्लाह, इसे मीठी दही बनानी है क्योंकि सारा हम लोग ने स्टोर कर लिया है कल खाने के लिए, तो अभी मैं इसको बंद करके फ्रिज में डाल दूंगी। और यहाँ मेरी दही वड़े बन रहे हैं, अब इस पर हम लोग दही डालेंगे। चलो
शक्कर नहीं डाली? डाली ना, सब डाली। तो मम्मी दही डाल रहे हैं, अब एक घंटा लगेगा। डालते रहो, इसमें मैं अभी फिलहाल चटनी डालूंगी। बिस्मिल्लाह। मेरा दही वड़ा रेडी है, मैं जा रही हूँ लेके खाने। ट्रस्ट मी गाइस, ये जरूर बनाना, इतना डिलीशियस है। वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बज रहे हैं 4, सहरी का वक्त हो गया, मैं सोई नहीं हूँ अभी तक। मम्मी तो फिलहाल सो रहे हैं, तो अभी सहरी के लिए 1.25 घंटा है और मुझे लगी बहुत ज़ोरों की भूख। एंड मैं यूट्यूब पे व्लॉग्स देख रही थी ऐसे, तो मैंने देखा एक लड़की ने बनाया था वेज पुलाव, तो मुझे मन कर रहा है मैं सहरी में वेज पुलाव खाऊँ, क्योंकि बस मन कर रहा है इसलिए। तो चलते वेज पुलाव बनाते फटाफट। मैंने डाल दिया है सब मसाला राइस सब, अब मैं इसे ढक दूंगी और सीटी लगा दूंगी। यहाँ रेडी है मेरा पुलाव और मैं खाने जा रही हूँ इसको। वो क्या बज रहे हैं, 5:45 बज रहे हैं। फिर नमाज हो चुकी है हमारी, आज बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मतलब अभी तक सोई नहीं थी मैं, अब बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो इंशाल्लाह उठ के मॉर्निंग में मैं पढ़ूँगी कुरान। नमाज तो हो गई है, तो अब जा रही हूँ मैं सोने, मिलते हैं सुबह में। तो मेरी सुबह हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं जा रही हूँ कुरान पढ़ने, क्योंकि मैं सुबह लेट सोई थी, तो फिर मैं अब 4:30 बजे तो फिर के उठी हूँ, तो अब मुझे मेरा कुरान मुकम्मल करना है। तो मैं जा रही हूँ अब कुरान पढ़ने। इफ्तारी तो सब ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह प्रिपरेशन किया था, तो बाद में दिखाती हूँ, अभी तो बहुत टाइम है। अब 6:00 जा चुके हैं, माँ कसम 6:00, तो अभी जल्दी जल्दी इफ्तार की तैयारी करना है। तो अभी मैं चना तलने जा रही हूँ। अगर आप लोग ने मेरे चने की रेसिपी नहीं देखी हो तो मेरे फर्स्ट इफ्तार के ब्लॉग चेक कीजिए, 2-3 वीडियो पहले, उसमें चने का रेसिपी है, वो आप देख लीजिए। अब मैं उसमें कुछ अलग करने सोच रही हूँ, तो मैं अभी समोसा शीट से मटरी टाइप बनाऊँगी, उसे काट के पतला पतला और उसके अंदर डाल दूँगी। तो पहले मैं चढ़ाती हूँ अपने मटर। मैं समोसा शीट कट कर रही हूँ ताकि मैं इसको फ्राई कर लूँ और मेरे चने के ऊपर डालूँ। आप लोग भी कर सकते हो, बिकॉज बहुत डिलीशियस आता है। हाँ, मैं वो क्या बोलते है, पानी पी पी के रोजा रखती हूँ ना, इसलिए छुपके से पानी पी लेती हूँ। तो अभी यहाँ मेरा चना हो रहा है, जब तक मैं अब ये फ्राई कर लेती हूँ, फिर इसको मस्त तोड़ के मटरी जैसा हम लोग उस पर डाल देंगे, क्या बोलते है, चने पे। ये देखिए, डालते के साथ तुरंत माशाल्लाह हो गई, और ये इतनी क्रिस्पी आती है ना खाने में, इतना मजा आता है इसे खाने, मुझे बहुत पसंद है ये मटरी। तो अभी मैं फ्राई कर रही हूँ इसे, फिर जब फ्राई हो जाएगा तब दिखाती हूँ। ये देखिए, क्रिस्पी क्रिस्पी मटरी टाइप तैयार है, अब इसे मैं छान लूंगी। तो मैंने यहाँ पे मफिन्स लिया है, अब मैं इसको ओवन में थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लूंगी, थोड़ा सा 20-30 सेकेंड तक के लिए। उसके बाद फिर मैं इस पर आइसक्रीम डालूंगी, ये बहुत डिलीशियस आता है। तो मैंने ये रेडीमेड क्या बोलते हैं, मफिन्स लाई थी, और इसे मैं निकाल के गरम कर लूंगी ताकि फिर ये गरम रहे और आइसक्रीम ठंडी रहे, और उसका क्या लाजवाब टेस्ट आता है। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत अमेजिंग आते हैं खाने के लिए। यहाँ मैं निकाल रही हूँ। एंड आज गाइस मैंने ज़्यादा कुछ रेसिपी नहीं, मैंने कुछ बनाया ही नहीं एक्चुअली, दही वड़ा क्योंकि हम लोग ने कल बना लिए थे और कंटाल आ रहा था आज कुछ बनाने, तो इंशाल्लाह दूसरे में ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन इसमें भी चीज़ें है, इसमें भी चीज़ें है। 30 सेकेंड्स का टाइमर लगा के छोड़ दूंगी। अब बेक हो चुका है और देखिए कितना सॉफ्ट है, चटका लग रहा है। सो अब मैं यहाँ वनीला आइसक्रीम इसके ऊपर डाल दूंगी। मेरी अमेजिंग चॉकलेट मफिन ब्राउनी रेडी है, यहाँ पे मैंने ऊपर चॉकलेट सिरप डाल दिया है, देखिए कितने डिलीशियस लग रही है। ये यहाँ पे हमारा सुपर डिलीशियस दही वड़ा, आपने, मैं बेट करती हूँ आपने इतना टेस्टी इतना डिलीशियस दही वड़ा कभी नहीं खाया होगा अपनी लाइफ में, तो ये जरूर ट्राई करना। वो अभी यहाँ पे मेरा ऐसे 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 फोन ऐसे एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल, ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे। अभी यहाँ पे मैंने चना निकाल लिया है, अब मैंने थोड़ा सा काकड़ी और अनियन कट किया था, वो मैं इस पे डाल दूंगी, क्योंकि कच्चा डाल के खाने में अलग ही मजा आता है। थोड़ा सा बचा हुआ है, उसके लिए बचाओ, थोड़ा ही डालो ना, दिखना चाहिए ना बस। तो ये डाला, और यहाँ जो मैंने मटरी ये फ्राई की थी उसे मैं क्रश करके डाल दूंगी। ये मटरी, इसकी आप लोग ये समोसा रोल
जो समोसे रोल की जो ये शीट रहती है उसकी मटरी बनाई है, चाट में अगर आपको डालना है तो बहुत टेस्टी आती है। तो ये देखिए कितना प्यारा दिख रहा है। यहाँ पर रेडी है हमारा चना, और बाकी की चीज़ें मैंने अभी फ्रिज में रखी है, जैसे कि दही वड़ा एंड वो मेरा ब्राउनी वाला, क्योंकि अब फैन के नीचे अभी 12 मिनट है, 1 तारीख को फैन के नीचे रखेंगे तो दोनों गर्म हो जाएंगे ठंडे से। अल्हम्दुलिल्लाह, ये है आज के इफ्तार में ये चने जो मटरी मैंने खुद बनाई है, दही वड़े जो हमने खुद बनाए हैं, मफिन्स जो मफिन वालों ने बनाए लेकिन हमने इस पर कलाकारी की है। यहाँ पे मेरा बर्फ वाला पानी है क्योंकि मुझे ठंडा पानी बहुत पसंद है। तो मैं आपको डेली ब्लॉग में तो खाना 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 ही दिखाती हूँ, अब मैं ये भी दिखाऊंगी कि मैं अपना ऑर्डर कैसे पैक करती हूँ। मैं पैक करना है क्रीम, लेकिन क्रीम के पहले थोड़ा बहुत सामान अंदर भरना पड़ता है, जैसे कि कचरा कुंडी सब भर दो आप। मम्मी ना मेरी बहुत बेकार वीडियोग्राफर है, हर माँ अपने बच्चे को दिखाती है और ये माँ अपने बच्चे को छोड़ सब दिखाती है। थैली रखो, थैली रखो, अच्छा बड़ी थैली है, काम आएगी। सब तो ठीक है, बट ये कितने साल बाद खत्म होगा मैं ये सोच रही। इंशाल्लाह जल्दी खत्म हो जाएगा। इंशाल्लाह आप लोग भी दुआ करो। हाँ, रमजान का महीना। और गाइस, इनको नहीं पता है तो मेरा क्रीम का बिजनेस है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स का, जो कि बिल्कुल सेफ है 100% और बहुत ही अमेजिंग और बहुत इफेक्टिव क्रीम। सिर्फ 550 रुपीज़ की 20 ग्राम क्रीम आती है, 550 रुपीज़ की 20 ग्राम क्रीम आती है, और आप लगाओगे तो आपको 7 से 10 दिन में इंशाल्लाह इतना अच्छा फ़र्क दिखेगा उसका, जिसकी कोई हद नहीं। तो अगर आप एक बार यूज़ करना चाहे तो आप ज़रूर कर सकते हो, ईद के पहले पहले एक बार ऑर्डर करके देखो। आई एम श्योर आप एक बार यूज़ करोगे तो आप लाइफ टाइम यूज़ करना चाहोगे, उससे आपका फेस इतना अच्छा होगा इंशाल्लाह, ज़रूर होगा। तो ये ज़रूर यूज़ कीजिए लास्ट के ईद के, रमज़ान के लास्ट 15 डेज पे मैं अपना क्रीम स्टार्ट करूँगी फेस पे अप्लाई करना, और तब मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊँगी इंशाल्लाह। उसके पहले अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वहाँ पे अपनी इंस्टाग्राम आईडी डालती हूँ, अपने स्किन केयर के ब्रांड का भी आईडी मैं डाल दूंगी। और अगर आपको नंबर चाहिए कौन से नंबर पे ऑर्डर करना है तो अब इस वीडियो के बीच में मैं नंबर भी डाल दूंगी। तो फिलहाल मैं ये पैक कर रही हूँ, उसके बाद मिलते हैं। तो आप लोग ने मेरे एक ब्लॉग में देखा होगा मुझे ये बोझा उठा रहे हुए, तो अब ये अल्हम्दुलिल्लाह पैक करना है। ये लाने में मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, मतलब 2 माला सीढ़ी चढ़ाया मेरे मम्मी ने इसे पकड़ के। बाकी ये कंटेनर मुझे इतने पसंद है ना, राउंड वाले बहुत 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 अच्छे लगते हैं। ऐसा मन करता है इन्हें बस सजा के रखूं घर में, या छोटे छोटे रेसिपी के लिए लेते ना ऐसे, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच नमक मिर्ची, इसमें डाल के डालो तो बहुत मज़ा आता है, मतलब दिखने में भी अच्छा लगता है अगर आप कंटेनर के दीवाने हो। अब मेरे को ये भरने 1 घंटा लगने वाला है, तो हम ये फ़िलहाल इतना यहीं पर स्टॉप करते हैं, बाद में मिलते हैं। तो मुझे कंटेनर्स के लिए डब्बा नहीं मिल रहा था, तो मैंने ना थोड़े दिन पहले ये बहुत ही प्यारा सा क्या बोलते हैं इसको, चाय की खेतली और ये क्या हॉट पॉट, ये दोनों लिया था। तो अब मुझे डब्बा कम पड़ा तो मैंने इसका डब्बा यूज़ कर लिया है, तो अब मैं इसे लपेटूंगी ये फिल्म से जो मैंने अमेजोन से मंगाया था। ये हम लोग फ्रूट्स रैप करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। गाइस ट्रस्ट मी, अगर हम खुला फ्रूट या थैली में डाल के उसे फ्रूट को रख देते तो वो सिकुड़ जाता है, लेकिन ये हम लोग ने रखे फर्स्ट रो से लेके अब तक एक हमारा फ्रूट का इतना ज़र्रा भी सूखा नहीं होगा, है ना मम्मी, इतना ज़र्रा भी नहीं सूखा होगा और कोई फूड वेस्ट नहीं हुआ। वरना जब वो वैसे सूख जाता है तो फिर वेस्टेज होता है, हमें उसको क्या बोलते हैं ऊपर का परत निकालना पड़ता है, सब करना पड़ता है, जबकि हमें वो सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी बिकॉज ऑफ दिस फिल्म। और ये मुझे अमेजोन से 200 रुपीज़ के आसपास ही कुछ मिला है और डिलीवरी चार्जेस अलग से। तो ट्रस्ट मी, अगर आप ये मंगाओ ऐसे ही ये फ्रूट्स पे भी चिपक जाता है। मैं इसको पहले ढंग से रैप कर लूँ
एंड गाइस प्लीज 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 मैं अभी वीडियो यहीं पे एंड करने वाली हूँ, तो आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो, पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्लीज अपनी फैमिलीज के साथ भी शेयर कीजिए, एंड जो भी रेसिपीज मैं बताती हूँ बहुत ईजी रहते हैं, प्लीज इस रमजान मेरे को ग्रो करने के लिए हेल्प करो ताकि मैं ग्रो हो जाऊँ आप लोग के सपोर्ट से, बिकॉज आप लोग सपोर्ट करोगे तो ही मैं आगे बढ़ूंगी इंशाल्लाह। तो ये सब क्या हो रहा है, तो आप लोग जरूर प्लीज कमेंट्स भी किया करें, कमेंट्स भी करा करो आप लोग कि कैसा लगा ब्लॉग या जो भी है जैसा भी है। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है, मेरी गलती लग रही है किसी चीज में, तो आप मुझे बेशक वहां पे कमेंट करके बता सकते हो कि मुस्कान ऐसा नहीं ऐसा है, या आप व्लॉग्स पे कमेंट कीजिए कि अगला व्लॉग क्या बनाऊं मैं, ऐसा वैसा, मतलब आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो हर चीज के, ऐसा बनाओ वैसा बनाओ, नेक्स्ट व्लॉग बनाओ या ये बनाओ वो बनाओ। आप लोग सपोर्ट करो तो मैं आपको मेरे रमजान में मैंने क्या क्या कपड़े लिए, ईद के लिए मैंने कपड़ा लिया या नहीं लिया या जो भी लूंगी वो भी मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगी, तो बट उसके लिए आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पूरे देखने पड़ेंगे, सपोर्ट करना पड़ेगा। और मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी रहती है, मेरे स्किन केयर ब्रांड की आईडी रहती है, सब रहती है, आप वहाँ पे क्लिक करो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको इंस्टाग्राम आईडी नहीं मिलती है वहाँ पे मेरी, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी मुस्कान्स है, MUSK5A2N2S, तो आप लोग ऐसा सर्च करके फॉलो कर सकते हैं मुझे, और यहाँ मैं कहीं पे लिख के भी डाल दूंगी मेरी इंस्टाग्राम आईडी, तो ज़रूर वहाँ पे भी कनेक्ट रहा कीजिए, कुछ भी क्वेश्चन है कुछ भी क्वेरी है तो मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूंगी। और अभी मैं यहाँ पे व्लॉग अपना एंड कर रही हूँ।